हाय गाइस, मेरा नाम अभिषेक त्यागी, वेलकम टू माय चैनल टेक्रेसी। आज देखिए और समझिए गन्ने से गुड़ कैसे बनता है। प्रोसेस स्टार्ट होता है फार्मर भाई के गन्ना सेंटर पे लाने के बाद। पूरी चरखी एक आइसा ट्रैक्टर के इंजन से चलाई जाती है जो आपके सामने है। रात को जनरेटर की बेल्ट भी इंजन से लिंक कर दी जाती है और चलने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था पूरी चरखी में हो जाती है। इंजन मूव कराता है चरखी को, जिसमें गन्ना पिड़ाई का काम होता है, यानी कि रस निकालने का। आपके सामने जो मशीन है, इसमें गन्ना डालने के बाद बाहर रस आ जाता है। एक व्यक्ति इसमें कंटिन्यू गन्ना लगाता रहता है। रस आने के बाद सामने वाले कंटेनर में इकट्ठा होता रहता है। देखिए, रस निकालने के बाद का रॉ मटेरियल बचता है, यानी कि खोई, उसको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर सुखाने के लिए सामने वाले प्लॉट में फैला दिया जाता है। गन्ने से निकला हुआ रस यहाँ पे कंटेनर में इकट्ठा होता रहता है और इन छोटे छोटे पाइपों के थ्रू बॉयलरों में जाता है, जहाँ पे रस की पकाई का कार्य होता है। सूखी हुई खोई वापस यहाँ लाने के बाद ईंधन के रूप में बॉयलरों के नीचे जलाई जाती है। जो आप सामने आदमी को देख रहे हैं, ये खोई को झोंकने का काम कर रहा है। इस खोई से आग को जलाया जाता है, जिसपे गन्ने का रस को पकाया जाता है। सामने देखिए तीन कढ़ाए हैं। पहले कढ़ाई में हल्की आंच, दूसरे में उससे ज़्यादा और तीसरे में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। सबसे पहले पहले वाले में पकाया जाता है, फिर बाद में डाल देते हैं तीसरे वाले में। रस के पकने के बाद आए झारे को पिक फार्म भेजा जाता है। आपके सामने रस पके का काम कार्य चल रहा है। बहुत ज़्यादा पकने के बाद रस को इसमें चाक पे डाल दिया जाता है। बाहर सुखाने के बाद ये जब थोड़ा टाइट हो जाए तो इस तरीके से इसके पीस बना दिए जाते हैं। इन पीस को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये सूख जाएं, इनका वेट करने के बाद कार्टून में भर दिया जाता है और आपके सामने गुड़ तैयार बिकने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। धन्यवाद।